हम डराते नहीं, बाखबर करते हैं। डंके की चोट पर देखिए हर शनिवार रात 8 बजे हमारे साथ। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। हमारा विशेष कार्यक्रम, विशेष खबरों का कार्यक्रम डंके की चोट पर मैं आपका स्वागत है। और ये इधर आप कुछ हफ्तों से एक सिलसिला आप देख रहे हैं कि डंके की चोट पर का जो कार्यक्रम है विशेष खबरों का, वो खबर बिल्कुल जीवंत आपके समक्ष हम पेश करते हैं, मुद्दा आपके समक्ष रखते हैं और उसकी उसके जितने भी सारे तथ्य हैं वो उसको आपके समक्ष रखते हैं, दस्तावेज लेकर बैठते हैं ताकि ये सनद रहे दर्शक दीर्घ तक कि हम तथ्यों पर बात करते हैं, प्रामाणिक आधार पर बात करते हैं। और यह बहुत ही विनम्र भाषा में इसको कहते हैं कि हम इसको ओन करते हैं और ओन करने की चुनौती पेश करते हैं। और ये जो चुनौती है, आप ये पत्रकारी एक जो इसको कहें कि एक अनिवार्यता होती है कि आप जिन खबरों को सामने रखें, अगर अखबार में हैं, अगर आप खबरें छापते हैं और अगर चैनल में हैं और खबरें आप दिखाते हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी प्रामाणिकता आपके पास होनी चाहिए। और इस प्रामाणिकता को लेकर आपके पास बैठते हैं और आप ये देखते होंगे कि ये जो आत्मविश्वास है, ये जो आत्मविश्वास खबरों के जरिए दिखता है, वो इन दस्तावेजों के आधार पर वो एक आत्मविश्वास बनता है। इसको कोई आसानी से चुनौती नहीं दे सकता। आज जो हम लोगों ने खबर उठाई है, जो जो हमारा पंचलाइन है कि हम कब्र नहीं खोदते, खबर खोदते हैं, तो एक खबर के नीचे की एक खबर खोदकर आपके समक्ष रखते हैं। और ये जो खबर है, ये बात आज आपसे कह दें कि ये डंके की चोट का जो आज जो एक खबर का सिलसिला शुरू होगा वो अगले हफ्ते भी चलेगा, यानी ये दो क्रम में ये खबर चलेगी। आप सब लोग जानते हैं एयर इंडिया का हाल सब लोग जानते हैं, जेट एयरवेज का हाल सब लोग जानते हैं। और आज जो है, आज हम लोगों ने ये जो एक राजनीति का एक माहौल चला और तमाम चुनाव और ये सब चला, तो थोड़ा टेस्ट बदलते हुए और ज़मीन की बात बहुत हो गई, अब थोड़ी सी हवा की बात कर लें। और ये जो हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं, इनकी ज़मीन कितनी खोखली है, किस खोखली ज़मीन पर ये उड़ान भरते हैं, इसके बारे में इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और कुछ तस्वीरें भी आप देखेंगे बीच बीच में कि एयर इंडिया के विमान किस तरह से उड़ रहे हैं, जेट एयरवेज के विमान किस तरह से उड़ रहे हैं। और किंग फिशर का आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो है विजय माल्या की कृपा से इसका भी क्या हाल हुआ, ये आप जानते हैं और आपने देखा भी है खबरों के माध्यम से। जेट एयरवेज को आप देख रहे हैं, एयर इंडिया देख रहे हैं। और आज की जो खबर है, आज का जो थ्रस्ट है वो एयर इंडिया को लेकर है। तो थोड़ी सी प्राथमिक बातें बता दें, एयर इंडिया का घाटा और एयर इंडिया की खस्ता हालत, उसके पीछे की वजहें, इस पर बात करने के पहले एयर इंडिया का जो एक गौरवशाली एक उसका इतिहास रहा है, उसकी एक परंपरा रही है, ये परंपरा किस तरह से विलुप्त हो रही है और इस पर सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकारों, में जानबूझ के कह रहा हूँ कि इसके लिए कई सारी सरकारें जिम्मेदार हैं। और अभी जो मौजूदा सरकार है, जो पिछले 5 साल की रही और अब कंटिन्यू कर रही है, ये भी उतनी ही जिम्मेदार है। इस पर हम बिल्कुल तथ्यों के साथ आएंगे। और आपको ये बता दें कि एयर इंडिया के खाते में एक सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो ये जाता है कि गल्फ वॉर में जो खाड़ी युद्ध हुआ, उसमें उस दरमियान और जो अभी जो मध्य पूर्व के देशों में जिस तरह से जो गृह युद्ध की स्थिति बनी, सीरिया और के साथ जो तमाम ये जो माहौल था, यमन और ये सब, तो वहाँ से जो भारतीयों को इवैक्यूएट करना था, वहाँ से जो लाना था,
उसमें भी एयर इंडिया ने बड़ी सार्थक भूमिका अदा की और उसमें जनरल वी के सिंह की एक खास भूमिका रही, वो भी एक रेफरेंस मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा सुषमा स्वराज जो निवर्तमान विदेश मंत्री हो चुकी हैं, उन्होंने बड़ी सार्थक भूमिका अदा की थी और उसमें एयर इंडिया ने बड़ा वो भारत सरकार का वो एक सहारा बना था और उसके जरिए बहुत सारे लोग वहाँ से इवैक्यूएट होकर आए थे। मेरे पास जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये मैं आपके सामने रखता हूँ, जो मैं हर बार हर खबर के साथ जो उसका जो आधिकारिक पक्ष है वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ, जो ऑफिशियल आंकड़े होते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये जो एयर इंडिया ने गल्फ वॉर में 111,000 लोगों को इवैक्यूएट किया था, वहाँ से बचाया था, बचा कर लाए थे, और ये जो है 488 फ्लाइट्स एयर इंडिया की हुई थी और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये इतना गौरवशाली इसका इतिहास रहा है, इसके इतिहास के और भी पिछले पन्ने हम खोलेंगे और आप ये समझ लें कि एयर इंडिया इतना एक गौरव का वो महाराजा का एक जो कार्टून आता था वो आप लोगों देखते होंगे कि महाराजा आते थे स्वागत करने के की मुद्रा में, ये सारी बातें एक अब इतिहास हो गई हैं और इस इतिहास को धूमिल करने की कोशिश हो रही है, इस इतिहास को, इस गौरवशाली इतिहास को बेच कर खाने का इंतज़ाम हो रहा है। और ये जो लाइन मैंने कही कि बेच कर खाने का इंतज़ाम हो रहा है, किस तरह से इसकी पुरातनता को किस तरह से बेचा जा रहा है, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि एयर इंडिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है कि इतने ज़्यादा लाखों लोगों को, देश के लोगों को इवैक्यूएट कराना, बचाकर बाहर निकालना और उन्हें, उन लोगों को देश तक पहुंचाना, भारतवर्ष तक पहुंचाना, इसमें बड़ी महती भूमिका अदा की एयर इंडिया ने और इस भूमिका के चलते एयर इंडिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आप ये जानते हैं कि बहुत सारे युद्ध की स्थितियों से या आपातकालीन स्थितियों से बहुत सारे देश गुजरते हैं, वहाँ से भी लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है, निकाला जाता है, बचाया जाता है, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब है कि ऐसा कभी नहीं हुआ इसके पहले, ये काम एयर इंडिया ने किया। और आप ये जानते हैं कि ये एयर इंडिया पहले टाटा एयरलाइंस के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1932 को और ये टाटा एयरलाइंस ही बाद में ये एयर इंडिया में, इंडियन एयरलाइंस में, एयर इंडिया में और उसकी तमाम जो सब्सिडियरीज हैं उस पर भी हम लोग बाद में आएंगे, उसकी सब्सिडियरीज बनी। और अब वो जिस तरह से एयर इंडिया का घाटा बढ़ा, अब एयर इंडिया की जितनी भी सब्सिडियरीज थी वो सब उन्हें बेचने की तैयारी चल रही है, वो सब बेचकर भी घाटा पूरा होगा कि नहीं इसके बारे में कहना मुश्किल है। और एयर इंडिया का जो घाटा है उसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं ये बात हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे सनसनीखेज और सबसे हैरत अंगेज बात अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे मीडिया में चलन ये होता है कि रहस्य बनाए रखा जाता है, रोमांच बनाए रखा जाता है और सबसे जो महत्व की बात होती है उसको बाद में बताया जाता है, लेकिन ये चलन को, इसलिए कि हम लोग सारे चलन तोड़ने वाली जमात के हैं तो ये चलन तोड़ते हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, रहस्यपूर्ण बात है और इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, उसे आपके समक्ष सबसे पहले रखते हैं। आपको क्या इस बात की जानकारी है कि एयर इंडिया के पास, एयर इंडिया की जो अपनी संपत्ति है उस संपत्ति में एयर इंडिया के पास अपनी जो उनकी आर्काइव है, उनका जो संग्रहालय है, उसमें दुनिया की दुर्लभ कलाकृतियां हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को थोड़ा अपडेट भी हो जाना चाहिए कि एयर इंडिया के पास, एयर इंडिया के संग्रहालय में बहुत सारी दुर्लभ जो कलाकृतियां हैं, जो आर्टिफैक्ट्स जिसको कहते हैं, पुराने जो पुरातात्विक महत्व की जो चीज़ें हैं, संग्रहणीय चीज़ें हैं, वो एयर इंडिया के पास हैं, रही हैं। और इनमें से मैं आपको ये बता दूं कि इसमें उसका पूरा एक जो एक जिस्ट है वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। और एयर इंडिया के पास करीब
5000 से अधिक दुर्लभ पेंटिंग्स हैं। ये जो पेंटिंग्स हैं, एक एक पेंटिंग्स करोड़ों करोड़ में बिकने वाली पेंटिंग्स हैं, और इस तरह की पेंटिंग्स, दुर्लभ जो पेंटिंग्स हैं, वो एयर इंडिया के पास 5000 से अधिक हैं, और 7000 आर्टिफैक्ट्स हैं, जो पुरातन महत्व के, पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं हैं, संग्रहणीय दुर्लभ वस्तुएं हैं, आर्टिफैक्ट्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये महाराजा कलेक्शन के नाम पर एयर इंडिया के पास हैं। ये जो बात हम आपके समक्ष रख रहे हैं, इसका बड़ा ही गंभीर और संवेदनशील महत्व है। यह जो दुर्लभ कलाकृति हैं, मैंने बताया, दुर्लभ जो पेंटिंग्स हैं, मैंने आपको बताया कि एक एक पेंटिंग्स करोड़ों करोड़ रुपए में बिकती है, कई करोड़ में एक पेंटिंग नीलाम होती हैं। इस तरह की पेंटिंग्स एयर इंडिया के पास हैं। इस तरह के महाराजा कलेक्शन, जैसे मैंने बताया कि 7000 से अधिक महाराजा कलेक्शन के नाम पर जो पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं, जो पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं हैं, वो एयर इंडिया की संपत्ति हैं। ये सब मिलाकर अरबों रुपए की केवल वो दुर्लभ सामग्रियां जो इनके पास हैं, पेंटिंग्स हैं तरह तरह की, और वो इनके पास, एयर इंडिया के पास हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि एयर इंडिया की दुर्लभ पेंटिंग्स और ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, इसकी तस्करी हो रही है, इसकी चोरी हो रही है, और बड़े रैम्पेंट तरीके से इसकी चोरी हो रही है। और इस पर जो भी जो बड़े आर्टिस्ट हैं, हालांकि उस ज़माने के जो आर्टिस्ट थे, जैसे मैं कुछ लोगों के नाम बताऊं, एम एफ हुसैन वगैरह, और ये सब तो अब इस धरती पर हैं नहीं, लेकिन इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। इसमें और भी कुछ लोगों के नाम हैं, मैं आपको बताता चलूँगा कि इसमें जो हैं एम एफ हुसैन है, जतीन दास हैं, एफ एम सूजा हैं, और एंजोली एला मेनन हैं। इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो जिनकी एक कूची, एक साइन जो है वो करोड़ों रुपए में बिकता है। आप समझ सकते हैं कि उनकी पेंटिंग्स कितनी कीमत की होंगी, और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतवर्ष में जो स्टेट ऑफ अफेयर है, स्टेट ऑफ गवर्नेंस जो है, उसका हाल ये है कि एयर इंडिया की जो दुर्लभ पेंटिंग्स हैं, उसकी स्मगलिंग हो रही है, उसकी चोरी हो रही है। और ये स्मगलिंग में जानबूझ के कहता हूँ इसलिए कि चोरी हो रही है, तो ये चोरी करके कोई कबाड़ की दुकान पर तो बिकती नहीं होगी ये पेंटिंग्स। या पेंटिंग्स निश्चित तौर पर विदेशों में जा रही हैं और बहुत भारी कीमतों में ये बिक रही होंगी। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर्स जो होते हैं, और आप ये खुद जानते हैं कि जो पुरातात्विक महत्व की जो वस्तुएं होती हैं, जो इस तरह की पेंटिंग्स होती हैं, वो जो है, जो एंटीक वैल्यू के, जिसको कहा जाता है एंटीक वैल्यू है जिसकी, वो अरबों रुपये में विदेश के बाज़ारों में वो चीज़ें बिकती हैं। तो आपको मैं ये बता दूँ कि एयर इंडिया का जो ये घाटा का जो ये हवा खड़ा किया जा रहा है, ये लगता है कि एक वित्तीय पक्ष है, आर्थिक पक्ष तो है ही, लेकिन इसको किस तरह से खोखला किया जा रहा है, ये आप समझ लीजिए कि सरकार का एक बड़ा उपक्रम, एक सरकार की बड़ी संस्था जिसने पूरे विश्व भर में भारतवर्ष की प्रतिष्ठा बनाई है। आप ये जानते हैं कि न्यूयॉर्क से लेकर एम्स्टर्डम और तमाम जगह पे, स्पेन और इन सब जगहों पे एयर इंडिया के बाकायदा उनके वो जो ट्रांजिट सेंटर्स, केंद्र रहे हैं, वो सारे केंद्र किस तरह से धीरे धीरे बंद होते चले गए और किस तरह से खोखला हुआ, उसके पीछे की बड़ी वजह ये भी रही, ये है कि इनकी दुर्लभ वस्तुएँ जो हैं, वो सब दुर्लभ जो कलाकृतियाँ हैं, पेंटिंग्स हैं, और एंटीक वैल्यू के जो सामान हैं, उसकी स्मगलिंग हो रही है। लेकिन ये स्मगलिंग ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पर है, और सबसे गंभीर बात और चिंताजनक बात यह है कि इस स्मगलिंग और इस चोरी का
एयर इंडिया को खोखला करने का इस तरह से पहले से। और हम लोगों की खासियत है कि हम लोग अपने जिस घर में होते हैं, जिस समाज में होते हैं, जिस देश में होते हैं, उसको खोखला करने का काम करते हैं। ये जो काला धन विदेशों में जाता है और स्विस बैंकों में जमा होता है, ये क्या है? ये हम लोग अपने आप को खोखला करते हैं, हम अपने देश को खोखला करते हैं, समाज को खोखला करते हैं और खुद को समझते हैं कि हम परिपूर्ण हो रहे हैं और हम जो हैं बहुत ही मजबूत हो रहे हैं। और स्विट्जरलैंड के बैंकों में हम पैसा चोरी कर वहाँ जमा करते हैं और वही समाज में ऐसे ही लोग महिमामंडित होते हैं। तो एयर इंडिया की जो दुर्लभ पेंटिंग्स हैं वो चोरी चली जा रही हैं और दुर्लभ जो सामान है वो चोरी हो रहे हैं। और इस पर तमाम लोग बीच बीच में बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसमें से कुछ राजनीतिक भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो पहले उड्डयन मंत्रालय संभालते रहे हैं और वो उन लोगों ने भी विरोध दर्ज किया, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री से मिले और इस पर इसका पता लगाने की बात कही। और इस बीच में सरकारें आती रहीं जाती रहीं लेकिन इस पर कुछ भी नहीं हुआ। और मोदी सरकार में ये जो स्मगलिंग है आर्टिफैक्ट्स की, वो बेतहाशा बढ़ गई और इस पर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। कार्रवाई का मतलब इस पर जांच होनी चाहिए थी। ये जो चोरी कैसे हो रही है, आर्टिफैक्ट्स किस सुरक्षा में रह रहे हैं, इसके बारे में तय होना चाहिए था लेकिन वो सब तय नहीं हुआ। और ये पाया गया कि ये जो नरीमन पॉइंट है बॉम्बे में, जहाँ एयर इंडिया का वो दफ्तर है, हेड ऑफिस भी आप कह सकते हैं, उस जगह डंप करके ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं और वहाँ से चोरी हो रही हैं। ये एक अजीबोगरीब बात है, एक अजीबोगरीब तथ्य है और यह तथ्य आपके समक्ष रखना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी था। और ये स्मगलिंग जो है, इसके जो रेमिफिकेशंस हैं और इसमें जितने भी लोग संलग्न होंगे, वो किस तरह का भारतवर्ष के गौरव को बेचकर किस तरह से विदेशों में पैसा कमा रहे होंगे, ये जो है कितने बेगैरत वाले लोग हैं, इसके बारे में कल्पना की जा सकती है। अब हम आते हैं आपको कि ये जो है एयर इंडिया का जो वित्तीय घाटा है, ये वित्तीय घाटा आपको ये बता दें कि ये एक आधिकारिक रिपोर्ट है कि जो एयर इंडिया का जो वित्तीय घाटा है, वो रोजाने का जो नुकसान है, रोजाना जो का जो घाटा है, वो 16 करोड़ रुपए का है। एयर इंडिया रोजाना, मतलब उस हिसाब से घाटे के हिसाब से औसतन रोजाना 16 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और मार्च 18 तक का जो रिकॉर्ड है हमारे पास, वो एयर इंडिया का लॉस 53,583 करोड़ रुपए था। ये लॉस मार्च 2018 तक का है और मार्च 2018 के बाद मार्च 2019 में बीत चुका है। तो अब आप इसका एयर इंडिया कितने के घाटे में है, इसके बारे में एक मोटे तौर पर आकलन आप कर सकते हैं। और इसमें ये कितना विभत्स है कि रोजाना 16 करोड़ रुपए का आकलन ये हुआ है कि रोजाना 16 करोड़ रुपए का नुकसान एयर इंडिया को हुआ होगा। और इसके बारे में ये रिपोर्ट कहती है, खुद एयर इंडिया की जो वित्तीय रिपोर्ट है वो कहती है कि देश के स्वास्थ्य बजट से अधिक एयर इंडिया का लॉस हो गया है। ये जो लॉस हुआ एयर इंडिया का, वो स्वास्थ्य, जो देश का जो केंद्रीय जो स्वास्थ्य बजट है, हेल्थ का बजट है, उससे अधिक हो गया है। और इस पर ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, कैग जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये कैग ने 2016 में ही अपनी रिपोर्ट में एकदम अंडरलाइन किया था, हाईलाइट किया था कि केंद्र की ओर से डिले पेमेंट जो है, वो उसके कारण एयर इंडिया की वित्तीय हालत खस्ता हो रही है। ये बात मैंने पहले आपसे बता दी, लेकिन ये जो केंद्र की ओर से डिले पेमेंट का मसला क्या है, अब आपको वो ये बताते हैं कि सरकारें आप ये जानते हैं कि 28 जून 2017 को
केंद्र सरकार बाकायदा एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने के बारे में घोषणा कर चुकी है, निर्णय ले चुकी है। अब उसके जो प्रोसेस हैं वो चल रहे हैं धीमी गति से ही सही, लेकिन एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने के का एक फैसला, नीतिगत फैसला हो चुका है। 28 जून 2017 को ये निर्णय हो चुका था और ये बातें घोषित भी हो गई थी। अब आप ये देखें कि ये जो प्राइवेटाइज करने के क्रम में जो चीज़ें होती है, जो औपचारिकता होती है, उसमें एयर इंडिया के 76% शेयर, जिसको स्टेक कहते हैं, उसकी बिक्री या उसको खरीदने के लिए बाकायदा भारत सरकार ने बिड आमंत्रित किया, निविदा आमंत्रित की, बोली आमंत्रित की। और आप ये समझ लें कि 76% शेयर खरीदने के लिए, यानी पूरा मालिकाना हक देने के लिए एक वो शेयर बिक्री का एक बिड दिया गया, बाजार में, विश्व बाजार में उसको छोड़ा गया। और लेकिन आप ये आप समझें और कितनी हैरत वाली और कितनी दुख देने वाली बात है कि मार्च 2018 से लेकर आज तक एक भी बिडर सामने नहीं आया। पूरे विश्व में कोई भी एक ऐसा बिडर नहीं सामने आया जो 76% एयर इंडिया के शेयर लेने के लिए या उसमें वो शामिल होने के लिए वो कोई स्वीकार करता। अब हालत यह है कि एयर इंडिया की जो अचल संपत्ति है, एयर इंडिया के पास अपनी अचल संपत्तियां भी हैं, बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग एसेट्स हैं और ज़मीनें हैं, ये सारे एसेट्स अब बिकने के लिए बाज़ार में खड़े हैं और उसकी जद्दोजहद चल रही है कि एयर इंडिया के जितने भी बिल्डिंग एसेट्स हैं वो बेच दिए जाएं। और इस तरह की 41 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शिनाख्त की गई पहले दौर में बेचने के लिए, और उसमें से उसको बाज़ार में खोला गया और ख़रीदार तलाशने शुरू हुए, वो बाकायदा उसको बिकने के लिए बाज़ार में रख दिया गया। आपको बता रहे हैं कि उस जो 41 में मात्र 12 या 14 संपत्तियां सोल्ड होनी, ओनली 17 संपत्तियां ही उसमें से बिकी, बाकी सब बिकने का इंतज़ार कर रही हैं और वो सब बाज़ार में नीलाम होने के लिए तैयार खड़ी हैं। एयर इंडिया के वो बिल्डिंग्स रही हैं और इस तरह से बहुत सारी ज़मीनें भी हैं। मैंने आपसे बताया कि ये जो है 41 संपत्तियों में से मात्र 17 संपत्तियां बिकी हैं और अभी ज़मीनों का जो हिस्सा है वो ज़मीनें बिकी नहीं हैं। और इसके साथ साथ जो 5 सब्सिडियरी जो इनकी कंपनीज रही हैं वो भी बिक रही हैं, बिकने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई उसका ख़रीदार नहीं मिल रहा है। सबसे मुश्किल वाली बात ये है कि जो केंद्र सरकार ये सब जो प्रयास कर रही है, और केंद्र सरकार एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है, की तैयारी कर रही है, एयर इंडिया को लेकर 8-8 आंसू बहाती है सरकार के लोग जो हैं वो तमाम रोना रोते हैं एयर इंडिया को लेकर। लेकिन आपको ये बता दें, अच्छा, इस रोने में एक बात और भी आपके समक्ष रख देना ज़रूरी है कि ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता अलमबरदार, सियासी अलमबरदार हैं, ये विमानों पर तो खूब तफरी करते हैं, हवाई जहाज से तो नीचे इनका पैर ही नहीं उतरता। और उन नेताओं जो केंद्र की सत्ता में बैठे हुए सियासतदान हैं, उन नेताओं को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को कैबिनेट दर्जा देने से परहेज होता है। वो गंभीरता से, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को गंभीरता से लेते ही नहीं, राज्य मंत्रालय का दर्जा है राज्य मंत्री के रूप में। अभी जो है, अभी की सरकार में हरदीप सिंह पुरी को सिविल एविएशन का मंत्री बनाया गया है, ये राज्य मंत्री हैं। और ये आप ये समझ सकते हैं कि इतना महत्वपूर्ण महकमा, जो राजकीय नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है, यह मंत्रालय कैबिनेट स्तर का मंत्रालय नहीं है। आप सरकारें, जो केंद्र सरकार है, वो कितनी इस पर कितना तवज्जो देती है और इस मिनिस्ट्री को कितना गंभीरता से लेती है, ये आप देख रहे हैं कि इसे कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया गया।
उड़ान भरने में अव्वल होते हैं नेता, नेता जमीन पर कम पाए जाते हैं, हवा में ज़्यादा रहते हैं, दिमाग भी उनका हवा में रहता है और उनका शरीर भी हवा में रहता है। और हवा में रहता हुआ इन इन लोगों ने, नेताओं ने एयर इंडिया की दुर्गत बना दी है। और अब जो है, जो आर्थिक दुर्गत भारत सरकार ने बनाई है, इसका जिक्र करना, ये आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये समझ लें कि भारत सरकार पर ही जो बकाया है एयर इंडिया का, वो करीब 1,000 करोड़ रुपए का है। और ये 1,000 करोड़ रुपया एयर इंडिया पर क्यों बकाया है? नेताओं के उड़ने, प्रधानमंत्री के उड़ने, राष्ट्रपति के उड़ने, और वो जो हवाई जहाज, उसके लिए जो मेंटेनेंस का जो खर्च होता है, ये खर्च सरकार ने एयर इंडिया को दिया ही नहीं। सरकार रोती है, नेता मंच पर प्रहसन करते हैं, एयर इंडिया की बदहाली का रोना रोते हैं, और उस पर अपनी जो कवायद का एक झूठा, एक जो ये एक औरा सामने में रखते हैं, एक एक सामने में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं। ये सब फर्जी बातें होती हैं, इसलिए कि सरकार का खुद एयर इंडिया पर 1,000, मतलब सरकार की देनदारी है कि वह 1,000 करोड़ रुपए एयर इंडिया को दे। अखबारों में, टीवी चैनल पे और तमाम जगहों पे आप ये देखते हैं कि एयर इंडिया के पायलट्स को सैलरी नहीं मिल रही है, एयर इंडिया के जो एयर होस्टेस हैं या एयर इंडिया के तमाम जो इम्प्लॉई हैं, उन सब लोगों को सैलरी नहीं मिल रही बहुत महीनों से। उसमें बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी कि हड़ताल की भी स्थिति आ जाती है, हड़ताल पर चले जाते हैं, यहाँ तक कि पायलट भी हड़ताल पर चले जाते हैं। ये स्थिति है सरकार, लेकिन सरकार पर जो 1,000 करोड़ रुपये का बकाया है, वो 1,000 करोड़ रुपया लंबित पड़ा हुआ है। एयर इंडिया की तरफ से बिल्स पर बिल्स भेजे जाते हैं और वो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह वो बिल आता है, पड़ा रहता है। सरकार तफरी ले रही है, हवा में उड़ रही है, लेकिन पेमेंट नहीं कर रही। और किस तरह से देश के राष्ट्रपति पर और देश के प्रधानमंत्री पर जिस तरह का बकाया है, इस पर हम आएंगे आपके पास बाद में, ये आपको बताते हैं। ये एक प्राथमिक जो एक प्राइमरी जो जानकारी है, ये आपसे शेयर कर देना जरूरी है। इसलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि प्रधानमंत्री का जो हवाई जहाज़ पर उड़ते हैं उसको कौन देखता है, कैसे देखते हैं, और राष्ट्रपति जो उड़ते हैं उनको कौन देखता है, कैसे ये होता है। तो ये आपके सामने स्पष्ट हो जाना जरूरी है कि प्रधानमंत्री की जो हवाई यात्राएं होती हैं, प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं या प्रधानमंत्री जो देश में हवाई जहाज पे मूव करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, ये कैबिनेट सचिव देखते हैं। यह देखने का काम कैबिनेट सचिव का है। कैबिनेट सचिव के पास इसका पूरा रिकॉर्ड होता है, प्रधानमंत्री कब गए, कहाँ गए, कितनी बार गए, कितनी बार विमान पर चढ़े और उतरे, ये सारे उनकी उड़ानों का पूरा एक खाका प्रधानमंत्री का, वो कैबिनेट सचिव के पास होता है। और कैबिनेट सचिव ही प्रधानमंत्री की उड़ानों को के शेड्यूल्स देखते हैं और उसे मैनेज और अरेंज करते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति कहीं भी जाते हैं, विदेश जाते हैं या देश में कहीं जाते हैं, उनके विमानों का जो इंतज़ाम है और उनके जो उड़ानों का जो शेड्यूल है, उसे अरेंज करना, उसे मैनेज करना, ये रक्षा मंत्रालय का काम होता है और ये रक्षा मंत्रालय ही उसको देखता है। अब आप ये देखें कि ये जो पेमेंट का जो ये है, उसमें हालांकि देनदारी तो केंद्र सरकार की ही होती है, लेकिन अलग अलग महकमे की तरफ से ये होता है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रपति की जो उड़ाने हैं उसकी बिलिंग होती है, मतलब एयर इंडिया का जो बिल आता है उसका पेमेंट रक्षा मंत्रालय की तरफ से जाता है। वो केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय के थ्रू उसको क्लियर करती है। और दूसरा, प्रधानमंत्री का जो उड़ान का ये होता है, उसका जो पेमेंट, उसके बकाए का जो ये है, वो सब कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के माध्यम से होता है। और
वो इसके पेमेंट के लिए जिम्मेदार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक से लौट कर ये जो बकाया है इसका, जो प्रधानमंत्री के नाम पर बकाया है और जो राष्ट्रपति के नाम पर बकाया है, उस बकाये पर भी आएंगे और कुछ ऐसे भी तथ्य आपके सामने रखेंगे जो आगे वाली स्टोरी, जो आगे अगले हफ्ते की जो स्टोरी होगी उसकी तरफ भी इशारा करेगी। और एयर इंडिया के बारे में तो हम अभी बातचीत कर ही रहे हैं, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और इस पर फिर चर्चा करते हैं। जनता की चोट नहीं,